हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया था एडजस्टेबल ट्रॉली के ऊपर वॉशिंग मशीन को इजीली कैसे रख पाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ देखिएगा। आज हम देखेंगे वॉशिंग मशीन का प्रेशर प्रॉब्लम कैसे दूर करना है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये जो वॉशिंग मशीन है इसको 0.3 से 0.5 बार का प्रेशर लगता है जो कि हमारे सिंटेक्स टैंक से इसको नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम प्रेशर पंप लगाएंगे। हमने वीगार्ड का ऑटोमेटिक पंप ऑर्डर किया है जिसका प्रेशर 1 बार है जो कि ये मशीन के लिए मोर देन सफिशियंट है। ये पंप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीगार्ड का ऑटोमेटिक पंप है, इसका स्पेसिफिकेशन पीछे दिया है। प्रेशर 1 बार 32 लीटर पर मिनट इसका जो फ्लो रेट है। ये है इसका इनलेट और ये है आउटलेट। इनलेट और आउटलेट दोनों नोज़ल 0.5 इंच का दिया है। इसके पीछे 0.5 इंच का थ्रेड कनेक्शन भी दिया है। ये इसका आउटलेट नोज़ल का एरो यहाँ पे दिया है। वॉशिंग मशीन के लिए हमने 20 एम्पेयर का सॉकेट और 20 एम्पेयर का स्विच लगाया और ऑटोमेटिक पंप के लिए भी हमने एक नया कनेक्शन लिया है जिसमें आप देख पा रहे हो 20 एम्पेयर का सॉकेट और 20 एम्पेयर का स्विच लगाया है। अभी हम पंप की फिटिंग के बारे में जानेंगे। ये पंप का फ्लो रेट 30 लीटर पर मिनट है, तो उसके लिए मैं आपको 1 इंच का लाइन रिकमेंड करूँगा। ये हमने 1 इंच का इनलेट लाइन पंप को दे दिया है और ये 1 इंच का आउटलेट लाइन भी हमने जोड़ दिया है। और ये 1 इंच का आउटलेट लाइन यहाँ से होते हुए ये वॉशिंग मशीन को जा रहा है। ये हमारा वॉशिंग मशीन कनेक्शन है। दूसरा एक टैपिंग हमने वॉशरूम को जोड़ दिया है। ये 0.5 इंच का ओल्ड टैपिंग है, इसको हम बदल नहीं सकते 1 इंच में, इसलिए मैंने यहाँ पे रिड्यूस करके इसको 0.5 में ही जोड़ दिया है। ये डिस्चार्ज लाइन वॉशरूम को जोड़ने का पर्पस ये है कि हमें शावर में अच्छा प्रेशर मिले। अगर आप चाहें तो पंप का सक्शन लाइन 0.5 इंच का लगा सकते हैं और डिस्चार्ज लाइन भी 0.5 इंच का लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ा प्रेशर कम मिलेगा। पंप लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जो टैंक का बॉटम लेवल है यही सेम लेवल पे आपको पंप का सक्शन लाइन, पंप और पंप का डिस्चार्ज लाइन ये सेम लेवल पे लगाना है। इसको आपको ऊपर नहीं लगाना है। इसका जो पर्पज़ है, क्योंकि जब आपका लाइट ना हो और आपका पंप काम ना करे तो भी आप ये लाइन से नीचे पानी यूज कर सकते हैं। प्रेशर पंप को यहाँ से यहाँ बाईपास लाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पंप के भी आप पानी यूज कर पाएंगे। पंप लगाते वक्त आपको पंप के डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। ये एक एरो दिख रहा है, ये आपको पंप के डिस्चार्ज लाइन में ही जोड़ना है। प्रेशर पंप में 3 मोड दिए हैं, ऑटोमेटिक, स्टॉप और मैनुअल। तो यहाँ पे ये जो बटन है, तो अभी ये मैनुअल मोड पे, बीच में करोगे तो स्टॉप और ये साइड करोगे तो ऑटोमेटिक, तो आपको ऑटोमेटिक मोड पे ही रखना है। उनका टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल पंप बंद है तो इतना प्रेशर मिल रहा है। पंप को चालू करने के बाद, जो कि अभी ऑटो मोड में है, तो हमें ये इतना जोर से प्रेशर मिल रहा है। अब देखेंगे तो ये वॉशिंग मशीन लाइन का प्रेशर। ये सब प्रोसीजर करने में तकरीबन कितना खर्चा आएगा उसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।